अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे इंशाल्लाह। आज मैं बनाने जा रही हूँ हरे धनिए की चटनी। इसमें मैं क्या कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून जितना अनारदाना धो के ले लिया है, 5-6 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, 2 हरी मिर्चें ले ली हैं और 2 टेस्ट नमक कर लें, 1/4 टीस्पून नमक है। और हरा धनिया मैंने काट लिया है, वो भी मैं इसमें ऐड करूंगी। पुदीना नहीं था तो नहीं सही, कोई बात नहीं। अब हरा धनिया डंडी समेत मैंने इसको काटा है, क्योंकि डंडी का अरोमा बहुत अच्छा होता है। और सफ़ेद ज़ीरा जो है वो भी मैंने 1/2 टीस्पून जितना ले लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे पीसेंगे। और इसे मैंने मिक्सी को भी रोक लिया है, क्योंकि अभी इसमें मैंने जो चीज़ डालनी है वो है हरा धनिया, तो वो भी हम ऐड करेंगे। यानी काफ़ी हद तक ये पीस लिया है, लेकिन ये कि उसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, जो भी मैंने चीज़ें पीसी थी वो सब मैंने ऐड कर दी हैं। ज़ीरा भी ऐड कर दिया, नमक भी ऐड कर दिया। ये चटनी बहुत खुशबूदार मज़ेदार है। ये तली हुई मिर्चों के साथ खाएं, पकौड़ों के साथ खाएं, समोसों के साथ खाएं, खिचड़ी के साथ खाएं, पुलाव के साथ खाएं, जिस चीज़ के साथ खाएं। और ये मेरी बहुत अच्छी सी प्यारी सी रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ पसंद करेंगे। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।